फॉर यू, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये आज का जो मैं टॉपिक है, आज का वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो, ये मैं एक स्पेशल टॉपिक पे बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने पिछले में बताए थे, तो उस टाइम मेरे माइंड में था कि अगर ये लाइव क्लास होती तो कोई बच्चा मेरे से जरूर कोई क्वेश्चन पूछता। कि एक अभी मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, तो मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने सोचा था वही किसी बच्चे ने पूछा, एक बच्चा है सिद्धार्थ नाम का, उसने मेरे को पूछा कि सर अगर मैट्रिक्स हैं, अगर मैं सिर्फ वन के बारे में पूछूं तो वन क्या होता है, इज इट मैट्रिक्स, और अगर मैट्रिक्स है तो व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस। तो मेरे को क्वेश्चन बहुत पसंद आया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस क्वेश्चन के ऊपर, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो बिना स्किप के देखिए। तो बेटा वन अगर हमारे पास है तो यस, वन इज अ मैट्रिक्स, यस इट इज मैट्रिक्स, वन भी एक हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब बच्चे पूछेंगे सर वन कैसे मैट्रिक्स हो गया, इसमें तो एक ही एलिमेंट है। लेकिन बेटा अगर मैं वन की बात करूं तो वन में नंबर ऑफ रो कितने हैं, बता सकते हैं आप नंबर ऑफ रोज? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो जो है वो वन है, पहली रो है वन। और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम की बात करूं बेटा, तो नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें वन है, वन। तो ये वन बाई वन का मैट्रिक्स हो गया, वन बाई वन, और वी कैन से वन बाई वन, वन बाई वन का मैट्रिक्स हो गया। अब क्या सर ये वन बाई वन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये वन बाई वन का मैट्रिक्स, ये जो वन एलिमेंट है ये वन बाई वन का भी मैट्रिक्स हो गया। और आप बता सकते हो क्या मैट्रिक्स होगा? कुछ बच्चे बिल्कुल माइंड में सोच रहे होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि ये नंबर एक जैसे आ गए, मैंने कहा था वन बाय वन, टू बाय टू, थ्री बाय थ्री, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यस इट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। और यही मैट्रिक्स जो है, क्या हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्या हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो वन बहुत सारे मैट्रिक्स का टाइप का है, तो ये इंटरेस्टिंग है। आपने मेरे को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि वन को और हम क्या क्या बोल सकते हैं। बहुत अगर आप सोचोगे, देखो बेटा मैथ्स बोरिंग नहीं होती, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत अच्छा सोचो और बहुत अच्छा आप मैथ्स में करोगे, कोई डरने वाली बात नहीं। बहुत सारे बोलते हैं ट्वेल्थ की मैथ टफ है, ये कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा करो। हाँ अपना एक गोल सेटअप करो कि मैंने ये करना है, मैंने कम से कम 90 देन अबव मार्क्स लाने, आराम से आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो आराम से आएंगे, कोई लोड नहीं लेना। 4 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को इक्वल डिवाइड कर देना है, और संडे के दिन आप इंग्लिश या फिजिकल आपका जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको ले सकते हो, तो बहुत अच्छा करोगे। हाँ पढ़ने बैठते हो उस समय गोल सेटअप करो बेटा कि मैंने 2 बजे अगर मैं बैठ गया तो मैंने 5 बजे तक पढ़ना है। जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ोगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है 5 बजे फिर मेरा लास्ट है, मैंने उठना है, तो एनर्जी बढ़ती है। बहुत अच्छा करोगे, कोई डरने की बात नहीं, शुरू से एंड तक बस पढ़ाई करनी है, 1 अप्रैल टू लास्ट डे। अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।